CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम बड़े काम की छोटी चींटी। साथियों, चींटी देखी है ना तुमने? मैंने भी देखी है, छोटी छोटी, कोई लाल कोई काली। पता है, बड़ी से बड़ी चींटी की लंबाई 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है और छोटी से छोटी चींटी की लंबाई 1 मिलीमीटर से भी कम। अब सोचो इनका वजन कितना कम होता होगा। 1000 चींटियां उठा लो और पता भी ना चले। लेकिन पता है, पूरी दुनिया में जितनी चींटियां हैं उन सबको मिलाकर उनका कुल वजन हम लोगों के कुल वजन के बराबर है। बाबा रे, इतना भार! विश्वास नहीं होता ना, पर ये सच है। बात ये है कि धरती पर चींटियां बहुत ज्यादा हैं। बस चींटियां इतनी छोटी होती हैं कि हमारा उन पर ध्यान नहीं जाता। नहीं तो वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद धरती पर इतनी ही तरह की चींटियां और होंगी, अलग अलग प्रजाति की चींटियां, लाखों चींटियां। ऑस्ट्रेलिया की एक प्रकार की चींटी का नाम बुलडॉग चींटी है। हाँ, बुलडॉग चींटी, वो 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ी होती है। एक प्रकार की चींटी का नाम है पांडा चींटी। देखने में पांडा जैसी होती हैं ये चींटियां। भी हमारी तरह सामाजिक प्राणी हैं। हाँ, चींटियां समूह में रहती हैं। चींटियों की अलग अलग कॉलोनी होती है, यानी बड़ा सा समूह जिसमें लाखों चींटियां रहती हैं। चींटियों की सबसे बड़ी कॉलोनी 6000 किलोमीटर की है। 6000, हाँ 6000 किलोमीटर, समझे कितना बड़ा हुआ? अंदाजा लगाएं। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी 3214 किलोमीटर है, बस 3000। और हिमालय की एवरेस्ट की ऊंचाई पता है कितनी है? समुद्र तल से बस 8848 मीटर। अब सोचो 6000 किलोमीटर बड़ी कॉलोनी कितनी बड़ी हुई। अच्छा दोस्तों, अगर हम एक कटोरी में पानी भरें और उसमें कुछ चींटियां गिर जाएं तो क्या होगा? वो मर सकती हैं ना? हाँ, मर सकती हैं। लेकिन कुछ चींटियां ऐसी भी होती हैं जो पानी के अंदर लगभग 24 घंटे तक जिंदा रह सकती हैं। यही नहीं, कुछ चींटियां तो तैर भी सकती हैं। कमाल की होती है ना चींटियां। साथियों, जैसे हम घर में, स्कूल में, ऑफिस में, सब जगह मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, वैसे ही चींटियां भी समूह में काम करती हैं। सबके अपने अपने काम निश्चित होते हैं। एक तो रानी चींटी होती है और कोई मजदूर चींटी, कोई सैनिक चींटी, कोई सफाई कर्मचारी चींटी। हाँ सच, ऐसे ही अलग अलग चींटियों के अलग अलग काम होते हैं। रानी चींटी का काम है अंडे देना। सफाई कर्मचारी चींटियाँ अंडों की देखभाल करती हैं, टूटे अंडों के छिलके बिल से बाहर ले जाती हैं। मजदूर चींटियाँ खाने का सामान लाती हैं और बिल में जमा करती हैं। अगर कोई गड्ढा आ जाए तो दो चींटियाँ चिपक कर जुड़ जाती हैं और इस तरह बाकी चींटियाँ गड्ढा पार कर लेती हैं। सैनिक चींटियाँ अपनी जान की परवाह ना करते हुए बाकी चींटियों की मदद करती हैं। जैसे कोई बड़ा गड्ढा परेशानी कर रहा है तो सैनिक चींटियाँ उसमें चली जाती हैं और अपने शरीर से वो गड्ढा भर देती हैं। चींटी किसी को हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन हाँ, चींटी केवल अपनी रक्षा के लिए काटती है। कुछ चींटियों के डंक जहरीले होते हैं जिससे शरीर पर दाने से निकल आते हैं, और कुछ चींटियों के डंक से तो कोई मर भी सकता है, जैसे बुलडॉग चींटी के डंक से।
पर सोचो, अगर पूरी धरती से ये चींटियां खत्म हो जाएं, तो क्या होगा? क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारा जीना ही कठिन हो जाएगा? लेकिन हाँ, ये सच है। देखो, चींटियां जमीन में बिल बनाती हैं, जिससे जमीन की ऊपर की परत नीचे, नीचे की परत ऊपर होती जाती है। इससे जमीन उपजाऊ होती है। मरी हुई चींटियों से भी जमीन उपजाऊ बनती है। चींटियां जब खाने के कण और नन्हे नन्हे बीज इधर से उधर ले जाती हैं, तो कई बार उनसे पेड़ पौधे भी निकल आते हैं। ये प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी हैं। यही नहीं, मरे हुए जानवर, कीड़े मकौड़ों को खाकर चींटियां हमारे वातावरण को साफ भी करती हैं। अगर दुनिया की सभी चींटियां खत्म हो जाएं, तो मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ रखना और धरती को साफ रखना कठिन हो जाएगा, क्योंकि सूखी पत्तियां, मरे हुए छोटे बड़े जानवरों को खाने के लिए चींटियां जो नहीं होंगी हमारे पास। इस प्रकार चुपचाप से मदद करती हैं हमारी चींटियां। सचमुच बड़े काम की है ना छोटी सी चींटी? बड़े काम की छोटी चींटी। आलेख, वाचन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT।